बयान देना चाहता हूँ पुलिस को, बोला पुलिस नहीं पहुंची 9 घंटे बाद डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है, अब सबूत कहाँ से लाए? वो तो कहाँ से लाए? ब्लड बॉडी है वो तो। किस समय पहुंची है? पुलिस पहुंची है अगले दिन 11 बजे, मतलब उनके डेथ होने के बाद में। हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आया ये मैं पता करके बताऊंगा। बताइए, मैं टू टाइम आप चले जाते तो फिर बयानबाजी भी हो जाती है। ये मत सोचो आप, इसमें कारण लिखा है काजल का, काजल की वजह से, वो वजह मैंने फाइल पे लाऊं नहीं लाऊं? ये हमारी तो कार्रवाई हुई, तैयार खड़ी है, बताओ हमारी कार्रवाई तो होली इंडिया के कार्रवाई करेंगे, हम ताड़े बैठे भाई। जो की जांच वो कहां तक पहुंची है? सीनियर अधिकारी को किसी को बुला ले भाई। परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई कोई महिला एसआई थी जो की पुलिस में जल्याणी है। देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौरान, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल इस समय की सीधी तस्वीर आप लघु सचिवालय भिवानी से देखने लगे हो। कैमरा मैन कुमार बराबर आके दिखा दे भाई, आ जा एम्बुलेंस के अंदर दिखा। फिलहाल आप मैं दिखाने लग रहा हूँ कि डेड बॉडी जो है वो एम्बुलेंस के अंदर डाल के ना और यहाँ पर ला रखी है, और सीधी तस्वीर आप देखने लग रहे हो लघु सचिवालय भिवानी। तो मामला के है वो आगे जाके पूछताछ करांगे। फिलहाल एसपी साहब हैं या फिर एसएचओ साहब हैं वो एक बार देख के बतावा। हाँ, बातचीत करना रहे। अच्छा, आइए। उसके बाद अस्पताल वालों ने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस पहुंच रही है कल डेथ होने के बाद 11 बजे, बीच में कहाँ थी? मेरे पास सूचना जो आई है ना, मेरे पास जो फोन आया जी, वो आते ही मैंने तो सुनी उसी टाइम किया। तो मतलब मेरे को सूचना मिली रोहतक से, भिवानी से रोहतक जाने में मतलब उसको 9 घंटे लग गए जी। ऐसा नहीं होता कभी, तो हो सकता है कहीं बीच में सूचना देने में देरी रही हो, थाने में सूचना पहुंचने में समस्या रही हो। डिक्लेरिफिकेशन करो ना कि अस्पताल से सूचना लेट मिली है क्या आप लोगों को? वो तो मैं चेक करके बता पाऊंगा, यहाँ खड़ा हो कैसे बता, झूठ मेरे को आता नहीं बोलना, मैं जो बोलूंगा तथ्य के आधार पर बोलूंगा। अगर पुलिस चाहती, अगर पुलिस चाहती तो डेथ होने से पहले भी उसके बयान दर्ज किए जा सकते थे। चलो मान लिया से मोटी कमी आ रही, पुलिस बयान दर्ज हो जाते, उसमें भी पर्चा इसी धारा में दर्ज होना था, उसमें भी पर्चा इसी धारा में आना था। मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें कानून की जानकारी नहीं है कि इसी धारा में होना था या और धाराएं जोड़नी थी, लेकिन अगर विक्टिम्स अगर मतलब खुद के जबान से अगर मान लो बताता कि मेरे साथ ये हुआ है, तो शायद हमें इतने आदमियों का इकट्ठा हो गया यहाँ नहीं आना पड़ता। अभी तक आप लोग उसको अरेस्ट भी कर चुके होते, आपको सबूतों की जरूरत भी नहीं पड़ती और ना उसकी बेल हो पाती। 306 जो धारा है ना, सोसाइटी के लिए मजबूर करना, मेरे पास समझ रहे इस बात, उसके अंदर सबूत सिद्ध नहीं होते, वो हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो क्या जब तक हम मान लो यहीं पे प्रदर्शन करते रहे? नहीं, किसने कहा प्रदर्शन? क्यों साजी सबूत करने की जरूरत कौन थी? अगर पुलिस अगर टाइम पर पहुंच के उसके बयान ले लेती तो मामला खत्म हो जाता, सारा सारा मिल जाता आपको सबूत। अब सबूत कहां से लाए? वो तो कहां से लाए? ब्लड बॉडी है वो तो, कहां से मिलेगा सबूत आपको? कहां से खोजोगे? आपने बयान दिए ना आज वाइफ ने, वो एक ही बात, उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे को टेलीफोन पर मेरे हस्बैंड ने बताया। ना ना, इस बात में क्या कुछ मामला है सर? क्या कुछ मामला है? ऐसा है, नंदगांव से जो है ना सुरेश कुमार जी थे, इन्होंने सल्फास का सेवन कर लिया था, ठीक है, और ये पीजीआई रोहतक एडमिट थे। हमें सूचना मिली, सूचना के बाद आईओ एससीएस सोनी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ गए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ उनकी वाइफ के बयान पे ये मुकदमा दर्ज गया 306/34 का। किस कारण वैसे सुसाइड किया जी, कुछ पता चले? अभी तक तो प्राथमिक स्टेज में चीज़ें, ये तो तफ्तीश का विषय है। अभी इन्होंने ये लिख के दिया है, जो दरखास्त में लिखा है, कोई काजल नाम की लेडीज है, उन्होंने उसको परेशान कर रखा था, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या की। अभी मामला कहाँ तक मतलब जो कि जांच वो कहाँ तक पहुँची है जी? जांच अभी तक तो इतनी है, एफआईआर कल बयान आए थे, आते एफआईआर लॉज कर दी। अच्छा, ठीक है। परिजन जो कह रहे हैं भाई टाइम टू टाइम आप चले जाते तो फिर बयानबाजी भी हो जाती है, इस तरह टाइम भी पहुँची नहीं ना कोई भी? हाँ जी, पुलिस की बहुत तगड़ी लापरवाही है इस मामले में, संतुलित है। अगर टाइम पे पहुंचते तो उनके सेम टू सेम बयान होते और कोई आगे कार्रवाई, एक मिनट में इनको पता चलता। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी हमें नहीं पता है, पुलिस तो बोल लेती है, शायद अपने मुंह से बयान दे पाते। अभी डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है, अगर पुलिस को पहुंचना था जिस टाइम डॉक्टर ने फोन किया उसी टाइम पहुंचना था। किस टाइम डॉक्टर ने कॉल किया? रात में 1:30 बजे एडमिट किया है रोहतक पीजीआई। तो जहाँ तक हमें पता है कि हो सकता है 15-20
मिनट में उन्होंने पुलिस को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, उसी के बाद में एडमिट की कार्रवाई होती है। किस समय पहुंची है? पुलिस पहुंची है अगले दिन 11 बजे, मतलब उनकी डेथ होने के बाद में, डेथ होने के बाद में, उसके बाद भी हम पुलिस को फोन कर रहे हैं कि कहां पहुंच गए, कि मैं रास्ते में हूं, मैं तो शाम हूं, मैं आसी वो भिवानी में सदर में फोन किया था, वो यही कह रहा था कि कल होगा, यही सदर में। अगर आईओ की कहीं कमी रही है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन अलग से होगा। ये मत सोचो आप, आईओ की कमी हुई है तो आईओ को बख्शा जाएगा। एक सटार इंक्वायरी के चक्कर में 2 घंटे खराब किए, 2 सटार की इंक्वायरी में फिर 2 घंटे खराब किए, सारी रात परेशान किया गया हमको, हम सारी रात की परेशान है। और दो रात, तीन रात होगी हम न जागती हुई, अगली पता नहीं और कितनी रात हमने, और अभी यहाँ जागना पड़ेगा। जब तक अरेस्ट नहीं होगा ना वो बंदा और वो उसका गैंग और पुलिस के जो पदाधिकारी है जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जब तक हम यहाँ से जगह छोड़ के जाएंगे नहीं। की जो कार्रवाई है ना वो बिल्कुल कानून के अनुसार विधिवत की जाएगी, ठीक है? ये तो आप भरोसा करो, मेरे पास बयान आते हैं, मैं एफआईआर कॉपी लाया हूँ, इसीलिए तो लाया हूँ। आपको ये मन में ये शक ना रहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर कॉपी गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी भी होगी, 101% होगी गिरफ्तारी, 101% होगी। हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आता है ये मैं पता करके बताऊंगा, एमएससी के रिकॉर्ड में क्या टाइमिंग चली हुई। अब मैं टाइम कुछ बता दूं, हमारे रिकॉर्ड में कुछ हो, ठीक है ना, मेरे नोटिस में नहीं है चीज, मैं प्राप्त बताया आप लोगों को। अगर पुलिस प्रशासन ने अगर लेट कराया है, जैसे लेट जानबूझ के नहीं करते, अगर ये बयान लेते हैं टाइम पे, पुलिस प्रशासन कभी भी, सरकार ने तो ERV की मैसेज ला रखी, 5 मिनट में पुलिस पहुंचती है, कोई कॉल करो 5 मिनट पहुंचती है। लेकिन प्रिजन जो ये कह रहे हैं कि एक दिन के बाद में पुलिस पहुंची है, तो नहीं, एक दिन के बाद नहीं, 9 घंटे के बाद। अगर जानबूझ के लेट है तो कंसर्न्ड आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। क्या क्या नाम है, कौन था आईओ उस टाइम पे? अश्विनी कुमार नाम का कोई आईओ है जो जानबूझ के मतलब पता चला कि कुछ पैसों की भी साइड डिमांड कर रहा था। सोनी कुमार का अगर कंडक्ट कहीं भी खराब रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मैं बतौर SHO ये बात कह रहा हूँ, बताओ जी, और पंचायत में कह रहा हूँ। कार्रवाई हो कहाँ रही है जी, कौन सी कार्रवाई हो रही है? हम दिखनी तो चाहिए, हमारी तो कार्रवाई हो तैयार खड़ी है, बताओ हमारी कार्रवाई तो होली, ईबीए के कार्रवाई करेंगे हम ताड़े बैठे भाई। आप आगे, आपकी आगे प्रक्रिया, हमारे आगे की प्रक्रिया क्या है? हम तो प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, और भाई अगर ज्यादा सुनवाई नहीं होगी तो बयानी इंतजाम कर देंगे, ठीक है? अगली मेरी सुन लो, अरेस्ट करना तो एक कागज भरना है, लेकिन सबूत इकट्ठे करने के लिए फाइल चाहिए, समय चाहिए, और मेरे को हर चीज चाहिए। उसी टाइम मिल जाता है, पुलिस कर दिया, मौके पे बयान मिलते तो भी ये पर्चा दर्ज होता, काम तो पुलिस कर चुकी है, मौके पे दिया पुलिस ने, काम तो 2 घंटे जब लेट पुलिस पहुंचे, वो काम तो कर दिया आप लोगों ने, सबूत जुटाओगे उनसे अरेस्ट होने के? इसमें कारण लिखा है काजल का, काजल की वजह से, वो वजह मैंने फाइल पर लाऊं कि नहीं लाऊं? आउट ऑफ स्टेट है या है भी नहीं? इसको स्विच ऑफ किया है जी, बहुत पहले फोन किया हमने सुबह, और फिर इसको दूर काल की स्विच ऑफ किया जी, इस बबीता साइन जी। मैं कह रहा हूँ बबीता ऐसे हरियाणा में ही नहीं थी, कल फरीदाबाद बता रही थी जी, ये हैदराबाद किसी इन्वेस्टिगेशन में गई हुई, इसने सुबह फोन किया हमने, झपट इसको बैठा लिया, और दोबारा क्या है इसको फोन नहीं उठाया जी। इस मामले में मैं तो ये आश्वासन देना था, निष्पक्ष जाँच होगी और आपका पेटा भरा जाएगा 100%। ये सुनिए, आईओ कैसे कह रहा था जी, इसका ऐसे हमारे मैडम का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों लगा रहे हो? मैंने तो नहीं कहा आपसे, मेरी कोई बात है इस मामले में? हाँ, ये अश्विनी के खिलाफ करो जी, फोन किया ना उस टाइम पे, मन ने भी किया, मैंने अश्विनी का किया जी, फोन कैमरा में कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट इलेक्शन के लिए मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा। बोले कल, बोले तुम्हारा कल होगा बोलो पोस्टमार्टम, बोले तो मेरी, बोले तुम्हारी क्या चली थी ये, बोले कोई सुसाइड नोट भी था, सुसाइड नोट बाकी है ना, मौके पे कह रहा था बयान देना चाहता हूँ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस नहीं पहुंची, 9 घंटे बाद डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है, बुलाओ ये बताओ ना, जो मृतक उसने खुद ने कहा मैं बयान दूंगा पुलिस के सामने, लेकिन 9 घंटे बाद पुलिस पहुंची है मरने के बाद, बताओ पुलिस क्या करा रिश्ते दिन। अगर एक मरीज मतलब कोई मरने की तादाद, वो तो मैंने कह ही दिया, अभी SC अश्विनी की कहीं भी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन होगा, 100% होगा, 99 नहीं 100%। मारा तो एक्शन हो लिया जी, मार तो गया। देखो सल्फास से कोई भी कंज्यूम करता है तो ऐसे केसेस नहीं है, सल्फास इतनी डेंजरस चीज है कि इसमें बचते नहीं, 99% इसमें डेथ होती है, वो तो हो गया सर, लेकिन
देखो सुरेश जी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जिसकी वजह से सुरेश जी ने कदम उठाया उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये 101% कार्रवाई होगी। सोने जी रविवार की मैं घर पर 10 बजे सुत्या पड़ा। आपका नाम क्या है जी? मेरा अमृत नाम है जी, इसका छोटा भाई। अच्छा छोटे भाई, ये मामला बहुत गंभीर होया जी। मतलब एतवार की 10 बजे की बात है, इसने मेरे पास फोन नहीं करा, फोन किसी और दौरे करा, उससे का फोन मेरे पास आया, भाई तेरा भाई ने उन्होंने सुसाइड कर लिया। अच्छा। फिर मैंने इसके पास फोन करा, भाई कड़े है तू, इसने फोन नहीं उठाया। अच्छा जी। फिर किसी ने फोन करा कि वो डिग्गी के अंदर पड़ा है, हम बोस्टर में चले गए, वो डिग्गी के अंदर पड़ा पाया बेसुध, उसके पास नंदगांव की डिग्गी में। अच्छा। उसके पास जहरीला पदार्थ पड़ा था, एक बोतल पड़ी थी। सीनियर अधिकारी को किसी को बुला ले, आपसे बातचीत कर लो डायरेक्ट, कोई नारे का भरोसा ना हो। ठीक है, बुला के संतुष्टि करो। एएसपी साहब को मैंने फोन कराया, आ रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, इस बात को समझो। पुलिस पीड़ित के साथ हमेशा आ जाए, नहीं हमेशा। ठीक है जी, होना भी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिल जाएगा तो हमने प्रदर्शन करने की जरूरत। सरकार हमें न्याय दिलाने की दिल, लेकिन समय पर न्याय नहीं मिलता, जब दुख होता है जी। देखो टाइम तो चीजों को इकट्ठा करने में लगता है, लेकिन टाइम मैं हथेली पे सर संभाली करने कह दूं, कैसे हो जाएगा? तो ठीक है, टाइम लग के भी न्याय नहीं मिला तो फिर अन्याय हो जाएगा, उसके बाद न्याय नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो यो रोड है, यो यहां फोन करें, बात करें, बात फिर आगे की घटना थी जी। घटना फिर जी, उसने जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मैंने मिली रात 10:30 मिली। फिर हम इसको थाने के लिए, कहीं भी उपचार के लिए हम इसको लेके गए गाड़ी में, आध घंटा गाड़ी ओलन लगा दिया, मतलब भैया आ रहे हैं आ रहे हैं। हम लेके इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ गए अंदर, भाई कैसे डाले भी बच जाए, कैसे भी मतलब बच जाए। हाँ बच जा। यहाँ फिर एक आध घंटा रख के ना इसका थोड़ा उपचार उपचार करके बोले भाई यहाँ से ले जाओ, हमारे हमने जो करना था वो कर दिया। हम फिर सीधे इसको मेडिकल रोहतक ले गए। अच्छा, 1:30 बज गया था मेडिकल रोहतक रात में। हाँ, 30 तारीख की घटना है ये, 30 तारीख की घटना है जी, रविवार की। 30 तारीख को रात में लेके गया। हाँ रात में लेके गया हम। हाँ तो 12 बजे पीछे तो हो जाती है ना। हाँ मतलब ये 30 तारीख 10:30 की बात है। अच्छा जी, रविवार रविवार की। हाँ तो फिर इसने मारते इतनी कौन नहीं बताई, दो ही बात बताओ तो बोले भाई मैं तो दुखी हो लिया, मेरा किस तरह दुखी हो ली बेटी चोर बोले, कोई आराम से बोले मैंने गोली खा ली, मेरा क्यों खाई गोली तने, बोले भाई मैंने तो खा ली। फिर भाई मैं खा ली थी, मारे बस की बात को नहीं। फिर हम इसने लेके गए किसे डाल भी, मैं बच गया बच गया। फिर इसने सारी बात सारी के दू बताई थी, मैं तो दो एक काजल नाम की महिला और एक बबीता नाम की कोई ऐसा ही है, उनसे मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, मैंने मजबूरी में कदम उठाया है। अच्छा, मैं तो ये पहले बता दे तो हम तेना कौन ठान देते कदम, मौत नहीं हो इतनी, लेकिन उसने न्याय मिलना चाहिए, किसी हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। हम पीड़ित को न्याय चाहते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला और कोई है। अच्छा, उसके पीछे कोई जिसका कंप्लेंट बताऊँ, अगर एप्लीकेशन दे रखी थी तो उसका वो उसके बारे में हमने नहीं भेजा, उसके बारे में पहले पता लग जाता तो हम उसका समाधान कर ढूंढते। अच्छा, उसका बाद हाँ हो जाता, घर वालों को तभी पता लगा कि भाई उसने सुसाइड गोली खाने का बाद में पता कराया, जब पहले खाने तो पहले भी कर देता तो हम इसका वो नहीं ठा लेते, मतलब कोई उसने उसने जो मृतक है उसने ये कहा है कि भाई मैं इन दो याद परेशान परेशान ऐसा ही ने उसने बार बार फोन किया होगा जी, थाना में जी बता दो उसका नहीं पता जी। अच्छा, कोई महिला थाना है कहीं या औद्योगिक थाना बता रहे। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहते तो हमने सूचना दे देते, हम उनका समाधान काटते, बीच का कैसे भी काट देते, हमने उसकी पाप पकड़ने पर मरने दे दे उसने। हाँ, लेकिन ये भाई उसने गोली खाने के बाद ऐसे आदमी मरता नहीं, कोई भी मर के दिखा दे, फोन पे मेरे तक नहीं मरने से पहले ये कहा था कि भाई हम पुलिस को बुलाओ मैं बयान दूंगा। हाँ वो मतलब कभी बोल रहा था, फिर थोड़ा बेचैत हो जाता, फिर वो शायद हम उसने फिर बार बार फोन नहीं करना बोल नहीं रहे थे, मैं भाई कैसे डाले भी इसको आराम मिल जाए। पुलिस किस टाइम पहुंची थी जी? पुलिस पहुंची थी जी 12:30 दोपहर के 30 तारीख को। दो फिर इतना वो हो लिया था जी, उससे पुलिस तो पहले हो लिया था। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया जी? पुलिस ने आश्वासन दिया कि तुम्हें न्याय मिलेगा। ठीक है जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, न्याय मिल जाएगा, अन्याय मिलेगा तो हमने देखो
इसने मतलब प्रदर्शन नहीं कराए, मतलब हमने तो क्या करेंगे बताओ। फिलहाल एसपी साहब आ गए हैं। भाई परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई कोई महिला एसआई थी जो कि पुलिस में तैनात थी और एसआई उसकी पद बताया जा रहा है, उसके कारण ऐसे बताया जा रहा है कि उसके कारण दबाव में आके जो जिसने सुसाइड किया है उसी के कारण कराया है। लेकिन मेन सवाल जो यहाँ पर अटक रहा है कि भाई जो मृतक है उसने ये कहा था कि भाई पुलिस को बुलाओ मैं बयान दूंगा, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इस तरीके की कुछ बातचीत परिजन जो है उनके द्वारा करी जाने लग रही है। लेकिन जो एसएचओ साहब हैं इन्होंने भी ये कहा है कि भाई अगर ऐसी कोई लापरवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होगी और जो मामला है जो यो अमल में लिया जाएगा। जिसने भी गलत कराया है जिसके कारण भी जो कि जिन्होंने सुसाइड कराया है उसने सजा पूरी पूरी मिलेगी। फिलहाल जो परिजन जो हैं वो डेड बॉडी लेके नहीं आ पा रहे हैं और इनका मानना यो है अगर जब तक हमने उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे। आग की तस्वीर आपने दिखा दे रहा गेल गेल इस खबर ने इस वीडियो ने शेयर कर दो। कैमरामैन मनीष के साथ सुमित चौरान, संसार क्रांति। हिम्मत रखने से नाम चलेगा, आपने रखेंगे तो आपके परिवार के बारे में कौन सोचेगा। घर में बड़े व्यक्ति को हिम्मत रखनी पड़ती है, बड़ा कष्ट का समय है, निकलने में समय लगेगा। बताइए मैं थोड़ा कुछ कौन सा ये कोई गैंग है कैसे जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपको